मैं सुनील कुमार। मैं आज आपको फिजिक्स में गति की समीकरण ग्राफीय विधि से किस तरह से प्रूव करते हैं ग्राफीय विधि से वो बताऊंगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये। ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि से गति की समीकरण किस तरह से प्रूव करते हैं वो बताओ। इससे पहले जो पढ़ा गति, गति के प्रकार, एक समान गति, असमान गति, फिर चाल और वेग में अंतर, फिर पढ़ा त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण को पढ़ा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऐसे ही वेग पढ़ा तो वेग होता है कि विस्थापन एकांश समय में तय किया गया विस्थापन वो वेग कहलाता है। चाल किया कि एकांक समय में तय की गई दूरी वो चाल कहलाती है। ऐसे ही आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राफीय विधि से गति की समीकरण किस तरह से निकालते हैं ग्राफीय विधि से। अब हमें गति की समीकरणें पता हो, जैसे फर्स्ट जो गति की समीकरण होती है वी इक्वल यू प्लस एटी, पहली जो समीकरण होती है। ऐसे दूसरी जो समीकरण होती है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऐसे तीसरी जो समीकरण होती है वो होती है बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये क्या होता है एस, वो इसकी अगर बात करें तो ये होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग। ये क्या होता है प्रारंभिक वेग, ये क्या होता है त्वरण होता है, और ये समय। ठीक है, इसमें गति की जो प्रथम समीकरण होती है अगर हम बात करें तो वेग और समय संबंध होता है, वेग और समय संबंध। एक समान त्वरण में यहां पर ये गति की समीकरण है तो ये वेग समय संबंध होता है। दूसरे की अगर बात करें तो ये होती है दूरी, ये प्रारंभिक वेग समय हो गया, ये त्वरण हो गया, और ये समय। ऐसे इसमें अंतिम वेग ये होता है प्रारंभिक वेग, ये होता है त्वरण, ये एस क्या होती है दूरी। इस तरह से अब इन तीनों समीकरणों को प्रूफ करना है। वो किस तरह से प्रूफ करेंगे ग्राफ के द्वारा, तो वो देख ग्राफीय विधि से। तो इसमें ये मूल बिंदु, ठीक है, ये इस तरफ वेग, मीटर पर सेकंड। ऐसे इसकी अगर बात करें तो ये समय टी सेकंड में, समय सेकंड में। अगर इसकी अगर बात करें जैसे प्रारंभ में, क्योंकि तो प्रारंभ ये मूल बिंदु, तो प्रारंभ में वस्तु का जो वेग है वो यू है। ठीक है, ये ओ स्थिति है, और यहां पर ये भी प्रारंभिक यू वेग। ठीक है, और फिर टी समय के बाद, जैसे ये टी समय पूरा करने की है तो टी समय के बाद, ठीक, टी समय के बाद वस्तु जो है वो कहां पहुंच जाती है, इस पॉइंट पर पहुंच जाती है, यहां पर।
ठीक है, तो ये के स्थिति में ये टी समय बाद, यानी कि टी समय चलने के बाद वस्तु का जो वेग हो जाता है वो क्या हो जाता है, वी हो जाता है। टी समय के बाद वस्तु का वेग बी वी हो जाता है, ठीक है। तो इसको यहां से मिला लेंगे। अब थीटा कौन हो गया, ये ए हो गया त्वरण, ये वेग एक अक्ष पे ले लिया, वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ठीक है। तो इसमें हमको ये जो प्रूफ करनी है, पहली समीकरण प्रूफ करनी है, तो इसके लिए ये हो गया तुम्हारा ए बी, इसको कर दो एम और ये एम, ठीक है। यहां से लेके ये वाली दूरी, जब ये वी है यहां से ये, और लेकिन ये यू है, यहां पर ये यू होगा, तो यहां से ये जो बचेगी वो बचेगा वी माइनस यू, ये वाली जो दूरी बचेगी वो वी माइनस यू बचेगी, ठीक है। और ये यू है यहां पर, ये समय टी हो गया, ये टी हो गया। अब हमको गति की प्रथम समीकरण निकालना है, और गति के प्रथम समीकरण जो किस किस के संबंध होता है, वेग और समय संबंध होता है। पहली जो इक्वेशन होती है वेग समय संबंध होता है, वेग समय संबंध, वेग समय, ठीक है। अब इसमें हम किस तरह से इसको ज्ञात करें वेग समय संबंध को, तो त्वरण जो हम जानते हैं कि जो वस्तु का जो त्वरण होता है, जैसे प्रारंभ में वस्तु जो है मूल बिंदु प्रारंभिक, और उसका वेग जो है वो u है, जैसे वो t समय के बाद उसका वेग कितना हो जाता है v, और वो स्थिति कहां पे पहुंच जाती है, ये स्थिति k, यहां पोजीशन में पहुंच जाती है, ठीक है। इसको यहां से मिला दिया ये और इसको इस तरफ मिला दिया, तो यहां पर ये वाली दूरी जो हो जाती है, जैसे v b हो गया उसका, तो यहां से लेके ये वाली दूरी निकालनी, यानी कि b माइनस u, और ये हो गया प्रारंभिक वेग। अब हमको निकालना क्या है, त्वरण। तो त्वरण बराबर जो होता है, इसमें अगर देखें इसका, तो इसमें अगर दूरी की भी अगर बात करें, तो इसको अगर मान लें ये, ओ एन के, एन के की अगर बात करें तो वी है, और एम एन की अगर बात करें तो क्या है, यू है, ठीक है। और अगर हम त्वरण निकालते हैं जैसे ये, क्योंकि वेग और समय जो परिवर्तन ग्राफ होता है, तो वो यहाँ पर एक ढाल है, और ढाल m इक्वल होता है tan थीटा, और m इक्वल जो tan थीटा ढाल है यहाँ पर a, तो इसका फार्मूला हो जाता है लंब बटे आधार, लंब ये है और आधार इसका ये है, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी अगर बात करें तो ढाल बराबर होता है, जैसे यहाँ पर a है तो a इक्वल ये ढाल है प्रवणता tan थीटा, ठीक है, tan थीटा का होगा a बराबर, तो a बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि इसका लंब क्या है, ये m k अपॉन, और आधार इसका क्या है, ये bm। एम के को अगर चेंज करते हैं इसको, क्योंकि हमको ये दूरी पता है, एम के पता है, तो एम के माइनस एम के, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एम के माइनस
एम के माइनस एम एम अपॉन डी एम, वैल्यू लगाना, एम के का मान है वी, एम एम का मान है यू, और बी एम इसकी अगर बात करें तो कितनी है टी, तो ये ए है। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इक्वल बी माइनस यू अपॉन ए टी, वो अपॉन ये हो गया ए टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ए टी इक्वल बी माइनस यू, यह हो जाएगा बी इक्वल यू प्लस, इसको इस तरफ लाएंगे प्लस में हो जाएगा और ए टी। तो ये गति की प्रथम समीकरण प्रूफ हो जाती है, ठीक है, ग्राफीय विधि से गति की क्या हो गई प्रथम समीकरण, इसको प्रूफ कर दिया है। अब इसमें